So good afternoon everyone, welcome to the class. Today we will be doing vocab fundamentals and I hope you are liking the video 1. Thank you very much. There are very good reviews for video 1 on vocab, especially there are many students who are finding ke sir hame pata chal gaya hai ki kaise taiyari karni hai. 2 ghante 2 mahine har roz lagayenge to 2000 word ka vocabulary aapke paas aa jayega bhai. 2000 word vocabulary you will be having just 2 months and 2 hours every day, राइट. सो आज की वीडियो जो है, आज की वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि आप वर्ड रूट्स के थ्रू अपनी वोकेबलरी कैसे फास्ट कर सकते हैं, और वो भी एक गुना, दो गुना, तीन गुना नहीं, 5 गुना, 5 times फास्टर. हाउ यू कैन स्टडी, यू नो, लर्न वर्ड्स 5 times फास्टर, राइट. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, राइट. एंड दिस इज़ अ रियली मैजिकल थिंग एंड यू नीड टू लर्न हाउ वी एग्जैक्टली डू दिस, राइट. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम वेरी श्योर यू विल बी हैविंग अ गुड नंबर ऑफ वर्ड्स विद यू विच विल रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन. देखो भाई, बात ऐसी है कि वोकैबुलरी बनाने से बनती है, बात करने से नहीं बनती है. हालांकि बात करने से भी बनती है, बट बात की होनी चाहिए, ढंग की बात होनी चाहिए. सो वोकेबलरी बनाने के लिए पहला चीज़ तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में सारी वोकेबलरी बना लेंगे. ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये लपेटा लपेटी होती है. लपेटा लपेटी का मतलब क्या है कि जैसे एक वर्ड आपका आ गया, फिर उसके साथ और वर्ड जुड़ेंगे और उसके बाद फिर और वर्ड जुड़ेंगे. ऐसे लपेटा लपेटी में ध्यान रखना है कि एक ही दिन में कोशिश नहीं करनी है कि आज ही सारी वोकेबलरी छाप दूँ, आज ही सब कुछ सीख लूँ, ऐसा नहीं होगा. बट आज जो सीखेंगे वो डेफिनेटली कल ऐड होगा. जो आज आप सीख जाएंगे कल वो ऐड होगा और धीरे 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 उसके ऊपर बिल्ड होता जाएगा. क्योंकि यही तो है ये तरीका 5 गुना फास्ट करने का. कैसे हम 5 गुना फास्ट कर सकते हैं ये आपको देखना होगा. और उसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि मैजिक ऑफ रूट्स, रूट वर्ड का मैजिक क्या है. 5 गुना फास्ट कैसे कर सकते हैं, ग्रुप्स में वर्ड्स को कैसे याद कर सकते हैं. ये बहुत बढ़िया टेक्निक है और आपको ये यहाँ मैं प्रैक्टिस कराऊँगा और आप सीखेंगे कि कैसे मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ और आप भी कर पाएंगे. और आई एम श्योर इस वीडियो के एंड पे आपको कम से कम 70-80 नए वर्ड्स मिलेंगे और उनको आप 70-80 वर्ड्स को आगे मल्टीप्लाई करके 300-400 बना सकते हैं. और एक छोटा सा आर्टिकल भी करेंगे जिसमें इसमें बताऊंगा कि वोकैबुलरी को बिल्ड करते कैसे रहना है. तो जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, वीडियो नंबर 1 जिसमें मैंने बताया 2 घंटे 2 महीने लगाने से यह किताब को कैसे मास्टर कर सकते हैं, यह बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंडेड बुक है. बट इस बुक से काम कैसे करना है भाई, वो कैसे समझ में आएगा, वो बड़ा क्वेश्चन है. काम कैसे करेंगे इस बुक के साथ, राइट. ये सिर्फ जानना काफी नहीं है, करना कैसे है. डिटेल्ड प्लान बनाया हुआ है बुक 1 के अंदर, प्लीज गो थ्रू दैट. और स्पेशली जिनका वोकैब थोड़ा वीक है, थोड़ा वोकैब में प्रॉब्लम है, दिस शुड बी डूइंग इट. तो ये मैंने वोकैब 1 में कुछ वर्ड्स कराए थे, 10 वर्ड्स ये कराए थे और 20 वर्ड हमने एक आर्टिकल में से निकाले थे. तो इन 30 में से जिन्होंने वीडियो नंबर 1 देखा था उनको कितने याद हैं, कितने उनके दिल में बस गए हैं, जहन में बस गए हैं. जैसे मेरे को लगता है ये तो बिल्कुल नहीं भूले होंगे कि बापू तू तो सेहत के लिए इन मी कल है और अलाउ नहीं कर सकते भैया. तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इन 30 में से आपको कितने आते हैं, राइट. जस्ट राइट 25, 15, 20 जिन्होंने वीडियो देखा है. और जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ डू गो वॉच दैट वीडियो वोकैब फंडा 1, हाउ टू प्रिपेयर फॉर वोकैबुलरी. एंड उसमें मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, दोनों चीज़ों से 2 महीने और 2 घंटे डेली लगाने से आपका 2000 वर्ड का सुपर स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी बन जाएगा. वीडियो 1 देखना नहीं भूलिएगा. लेट स्टार्ट विद टूडेज आई नो वीडियो. सबसे पहले हम समझते हैं भाई, वेलकम एवरी वन, राइट. जिन जिन का कोई भी क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, वो आप टाइप करते चलिए और इसको डालते चलिए और मैं एंड पे वो सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा. बीच बीच में भी क्वेश्चन लूँगा. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग एंड यू गाइज आर शेयरिंग इट एनफ. दिस चैनल इज़ अ फ्री चैनल फॉर कैट प्रिपरेशन. 200 आवर्स ऑफ क्वालिटी इनपुट विल बी अवेलेबल. प्रिंस कुमार सर, आई एम न्यू हेयर, मैंने आप में ज्वाइन किया है, शुड मैनेज द प्रीवियस क्लासेज. या यू विल बी एबल टू मैनेज, नो इशूज, नो वरीज, दे ऑल आर अवेलेबल फ्रीली फॉर एवरी वन. एंड आफ्टर द क्लास प्लीज डोंट फॉरगेट टू अपियर फॉर द टेस्ट, दैट वी कॉल इट एज अ क्लास टेस्ट, राइट. या सो ऑल द बेस्ट यू गाइस. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, भगवान को याद करते हैं. थाई, राइट, थी एंड थाई. थाई हम यूज़ करते हैं यू के लिए, थाई सेल्फ, राइट. और
थीस्ट हम यूज करते हैं, राइट, भगवान के लिए थी थ्योरी थियोलॉजी, राइट, और थीस्ट एथीस्ट, ये सारे वर्ड यहीं से निकलते हैं, क्योंकि जो थी का जो रूट है वो जो आपका है वो गॉड के साथ रिलेटेड है, राइट, गॉड के साथ, और द दाई, दाई का रूट यू, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ लिंक्ड है, राइट. सो गाइज, उसके बाद हम देखेंगे फोबियाज, मैनियाज, राइट, कैसे हम उसको राइट कर सकते हैं, राइट, फोबिया, मैनिया, इजम्स, ऑलोजीज, और ये कुछ मैंने जस्ट सैम्पल के लिए लिखे हैं. आज मैं आपको सारे जो वर्ड रूट हैं उनको बताऊंगा कि वो यूज़ कैसे होते हैं, क्या उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उसका आपका यूज़ है, वो हम सीखेंगे, राइट. कुछ चीज़ें आज हम राइट हम यूज़ करते हैं, राइट. Let us understand, start with the, you know, very, very simple thing. You know, the who is a person, we call it as theist. Theist कौन होता है भाई? जो believe करता है कि भगवान है उसको हम कह देंगे theist. तो फिर जो नहीं विश्वास करता, भगवान नहीं है एग्जिस्टेंस में, उनकी बिलीव नहीं करता, राइट, दैट इज़ वी कॉल इट एज atheist, राइट. एंड यू नो देयर आर पीपल वी कॉल इट एज यू नो agnostic. Agnostic is a person who say it is not possible to be certain whether God exists or not. ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि God है, right? या उसका पता चल सकता है. और दूसरा बंदा ये जो agnostic है, right? Agnostic क्या कहता है कि भाई ये certain है कि भाई you know पता चल सकता है कि भगवान है, right? So इसके बीच में हमने अब क्या किया? सबसे पहले हमने word पकड़ा थीस्ट. सबको पता है भाई थीस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, राइट. थीस्ट हम किसके लिए यूज़ करेंगे? जो बंदा भगवान में विश्वास रखता है, दैट वी कॉल इट एज थीस्ट. और इसके साथ मैं आपको एक रीडिंग रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है, शहीद भगत सिंह के द्वारा लिखा गया अराउंड 11 पेज का ये लेटर है, प्लीज़ डू रीड दैट लेटर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. अब जैसे ही हमने ये वर्ड देखा थीस्ट, तो भाई आ गया, पहले भी सुना होगा, इसके जैसा वर्ड थ्योरी भी है, राइट, और इसके जैसा वर्ड हमारा थियोलॉजी भी है, राइट. थियोलॉजी, थियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ गॉड, स्टडी ऑफ गॉड, राइट. इसके बाद फिर हम बहुत सारे और रूट्स करेंगे, राइट. सो अभी के लिए हम सिर्फ करते हैं एथीस्ट एंड थीस्ट. थीस्ट इज हु बिलीव्स इन गॉड और गॉड्स, वेयर एज एथीस्ट इज हु लैक बिलीफ इन गॉड और गॉड्स, राइट. वेयर एज अ पर्सन हु इज एग्नोस्टिक इज अ पर्सन, right, who is certain, who is not certain, and agnostic is a person who is certain. तो इसके हिसाब से हमारे चार बन गए, agnostic, theist बन गया, right. ये मैं बताता हूँ कि कैसे words को जोड़ के आप अपना नया पार्ट कर सकते हैं. इसके similar sounding word हैं but meaning बिल्कुल different है, क्योंकि शायद आपने सुना हो, क्योंकि अगर आपने agnostic नहीं सुना है या तो उसके जैसा ही word है agony, right. There is a difference between agnostic and agony. अब ध्यान से देखेंगे, ओ जो है वो और एन आपस में पलटी मार गए हैं. ओ और एन क्या मार गए हैं? पलटी मार गए हैं. तो agony is जैसे हम कहेंगे भी extreme physical and mental suffering. ये आपका एक game भी है और simple, इतना ज़्यादा दिमाग पे stress मत मारो, agony से याद कर सकते हैं इसको. agony, you know, आग लगी हुई है भैया, आग लगी हुई है. तो आग लगी हुई है क्या है? आग लगी हुई है क्या है कि भाई बहुत suffering हो रही है, ठीक है. जैसे कोई दोस्त पूछता है भाई क्या हाल है, राइट, तो यू कैन से आई एम इन एग्नी. इट मींस आई एम इन एक्सट्रीम सफरिंग एंड यू नो फिजिकली और मेंटली एक्सट्रीम सफरिंग, वी कैन कॉल इट एज एग्नी, राइट. नाउ देयर इज अ पर्सन हु वी कॉल एज एगोनिस्ट. एगोनिस्ट इज अ पर्सन, एगोनिस्टिक यू नो इज अ केमिकल बॉन्ड दैट यू नो बाइंड्स टू समथिंग एंड एक्टिवेट्स. तो आग लगाने वाला, किसी चीज़ को भड़काने वाले को हम एगोनिस्ट कह सकते हैं, राइट. किसी चीज़ को भड़काने वाले, और कोई चीज़ उसको एक्शन को रोक दे, मतलब ये है जो एक्शन कॉज कर रहा है, समथिंग विच कॉजेज एक्शन इज कॉल्ड एगोनिस्ट. और जो एंटेगनिस्ट हो गया, जो हो गया ब्लॉक करे, क्योंकि एंटी वर्ड आ गया, एंटी मतलब रोक देना. तो यहाँ से हम थोड़े 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 वर्ड्स पकड़ने शुरू किए हैं. ये मैंने थोड़े डिफिकल्ट वाले कराए, बट मैं आपको बहुत आसान लेवल पे ले जाता हूँ, जहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे. वेरी गुड विवेक साहा, इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर 25, नथिंग लाइक इट. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड मनीष गुप्ता जी से, तो ये एक आपको देख के क्या समझ आ रहा है? देखिए, कभी ये वैन देखा होगा आपने फिल्मों में, दिस वैन इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पसेस,
आजकल तो कम दिखती है ये, बट पुराने ज़माने में ये वैन फिल्मों में बहुत आती थी और उस फिल्मों में इसको एक ही काम के लिए यूज़ करते थे, किडनैपिंग के लिए, क्योंकि सब आ सकते हैं इसके. हालांकि दिस इज़ इंडियन मूवी के अकॉर्डिंगली दिस इज़ ए टिपिकल वैन यू शुड यूज़ फॉर किडनैपिंग. बंदा रास्ते में जा रहा है, ऐसे खिड़की खुलेगी और जो गुंडा है वो अपना हीरोइन या जिसको भी है उसको पकड़ के एकदम से ले जाएगा. हीरो की माँ को उठाना है या कुछ भी करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट व्हीकल, यू नो, इट इज़ बीइंग यूज. सो इसमें सब आते हैं भाई, है ना, सबका साथ सबका विकास, सब कुछ आ गया. तो वो क्या हो गया, वो सब क्या हो गया, जब सब लोग इकट्ठे आ जाएं किसी चीज़ में तो हम उसको वर्ड यूज़ कर लेते हैं ओमनी. ओमनी मीन्स ऑल, राइट, ओमनी मीन्स ऑल. ठीक है, आगे पप्पा बैठ जाएंगे, हालांकि कंपनी ये नहीं कहती थी, कंपनी कहती थी यहाँ पप्पा बैठेंगे, ठीक है, यहाँ दादू बैठेंगे और इसके बाद पीछे बच्चे जो हैं वो खेलते रहेंगे. बहुत बढ़िया सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपको रियली इन्जॉय करना है, राइट, बिकॉज दिस इज़ द व्हीकल वेयर यू कैन फेस पीपल फेस टू फेस, राइट, और पीछे वाले लोग आमने सामने एक दूसरे को दे सकते हैं. ठीक है, यहाँ से यहाँ बढ़िया ताश वाश भी खेल सकते हैं इसके, है ना, कार्ड्स प्ले कर सकते हैं आप इसके अंदर, बहुत बढ़िया ये वैन रहता है, किडनैपिंग वैन है. बिल्कुल बिल्कुल सही है भैया, तो किडनैपिंग सबके लिए है ना, सब वैसे ये सब आ सकते हैं. तो इसके साथ हम 5 शब्द सीखते हैं जो हम इससे सीख सकते हैं, राइट, ऑल थ्रू आउट. तो पहला जो वर्ड बनता है बेटा जी, ओमनी प्रेजेंट. हमारे जो हम कहते हैं जो कुदरत है, जो नेचर है, वो ओमनी प्रेजेंट है. देखिए गॉड का जो आइडिया है ना, तो उस पर बहुत जितना चाहें आप उतना डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. और फिलॉसफी के अंदर, खास करके जो आपके आरसीज आते हैं फिलॉसफी के अंदर, उसके अंदर कहानी यही है यार. सोक्रेटिस से ले लो और जो आपके जिडू कृष्ण मूर्ति हैं वहाँ से लेके वहाँ तक, यू नो, थ्रू डेस्क्रेट, थ्रू एमोनिल कैंट, थ्रू डिफरेंट फिलोसफर्स, स्वामी विवेकानंद, ऑल दे टॉक अबाउट साइंस गॉड, साइंस गॉड, साइंस गॉड. और जो मैंने आरसी में आपको करवाया भी था, राइट, वो थियोलॉजी और साइंस के बीच में मेरी फिलॉसफी कहीं ना कहीं घूम रही है. एनी हाउ, तो सब लोग ये कहा जा सकता है कि द गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट. भगवान सब जगह है, राइट, सबके अंदर है, आपके अंदर, मेरे अंदर, सब जगह है. बट समहाउ हम ये बिलीव करते हैं जो वर्शिप प्लेसेस हैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रहता है. उसकी अलग थ्योरी है, कभी फिर डिस्कस करेंगे कि व्हाई वन शुड गो टू वर्शिप प्लेस एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दैट इफ गॉड इज एवरीवेयर, राइट. बहुत सारे अलग अलग फिलोसफर्स के अलग अलग व्यूज़ हैं. सो सबसे पहले हो गया ओमनी प्रेजेंट. ओमली पोटेंट, पोटेंट मीन्स पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, याद होगा आपको. पोटेंट मतलब ताकतवर, राइट. सो समबडी हु इज पोटेंट, इट मीन्स एबल टू डू, कुछ जो कर सकता है उसको कहेंगे पोटेंट, राइट. और जो कर सकता है तो वी कहेंगे विद ऑल द पावर, जिसके पास सारा पोटेंशियल है, राइट. सो वी कॉल इट एज ओमनी पोटेंट, राइट, ओमनी पोटेंट कहेंगे, राइट. और जो बंदा इसके साथ इम लग गया, इम्पोटेंट, राइट, जो कुछ नहीं कर सकता है, इसके बहुत सारे मीनिंग है, राइट, बट जो कि हेल्पलेस हो, पावरलेस हो, राइट, राइट, वो जो कुछ नहीं कर सकता उसको हम कहेंगे इम्पोटेंट. तो इम जो है हमारा प्रीफिक्स लग गया, और पोटेंट का मतलब पता है तो हम इम्पोटेंट को निकाल लेंगे. और ओमनीपोटेंट मतलब जो सब कुछ विथ ऑल द पावर. ओमनीसिएंट, सिएंट मतलब जानना, जो सब जानता है, राइट. तो सोक्रेटिस से पूछा गया कि भाई तुम सबसे ज़्यादा वो इंसान हो, समझदार इंसान हो, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा है? वो कहता है भाई मेरे को लगता है मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को कुछ नहीं पता है, राइट. ओके, आगे चलते हैं बेटा जी. वोरस, वोरस आता है खाने के साथ, राइट. ओमनी वोरस, जो सब कुछ खा सकता है, वोरस, वोरस. इससे भी शब्द निकालेंगे, जैसे आ गया हमारा वोरेशियस, वोरेशियस. कई जगह हम कहते हैं भी वोरेशियस रीडर होना चाहिए, जो अटरम पटरम मतलब सब कुछ पढ़ लेता है, फिक्शन भी पढ़ लेता है, नॉन फिक्शन भी पढ़ लेता है, फिलॉसफी भी पढ़ लेता है, सब तरह के जॉनर पढ़ ले जो, दैट इज़ कॉल्ड वोरस, वोरेशियस रीडर, वोरेशियस रीडर, राइट है, ठीक है भैया, राइट. और आगे आ गया ओमनी फ्रेशियस. फ्रेशियस मतलब पार्ट्स, सब टुकड़े, सब सेक्शन, उससे जो बना हुआ है, सब तरीके से बना हुआ है, सब पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, दैट इज़ वी कॉल्ड इट एज ओमनी फेरियस. आर यू गेटिंग इट? तो एक वर्ड ओमनी याद करने से हमें 5 पता लग गए, और उसके साथ 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 में हमने बहुत कुछ और निकाल लिया, जैसे कि हमने इम्पोर्टेंट निकाला, वोरेशियस वर्ड निकाला. वोरेशियस कौन हो जाएगा? जो भैया खाता बहुत है, राइट, वोरेशियस.
और उसको हम अलग अलग सेंस में यूज कर सकते हैं. वोरेशियस मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला, अलग अलग तरीके से, राइट. एंड या वो रू, राइट. यूबिकिटस इज सिनोनिम ऑफ ओमनी, या एब्सोल्युटली राइट मिस्टर करण श्रीवास्तव. दिस इज हाउ वी मेड, दिस इज हाउ वी क्रिएट आर लिंक्स, राइट. नाउ गोइंग अहेड विद इट, let us see these words which we can depict it from, you know, other. See, carnivorous is the people who can eat flesh, who eat meat, we call them as carnivorous, right. Herbivorous, who eat only, you know, your nefarious, yeah, that's it. But that has a slightly different meaning from this thing, right. Uska thoda sa meaning isse change hai. Okay. So herbivores is people who eat vegetable, right? शाकाहारी. और omnivorous जो सब खा लेते हैं भाई, meat भी खा लेते हैं, vegetable भी खा लेते हैं, सब कुछ. तो omnivorous सब कुछ खाने वाले. अब अगर इन दोनों में फ़र्क देखते हैं, ऐसे कुछ plants भी हैं वैसे, आपको अगर पता हो, ठीक है, अगर 6th 7th ये बच्चों में पढ़ते हैं. बट इसमें एक आपका वर्ड आता है canine. canine किसके लिए यूज़ होता है भैया? टीथ के लिए यूज़ होता है ना. कैनाइन टीथ भी होते हैं, और इनके लिए, बिल्लियों के लिए, की फैमिली के लिए भी यूज़ हो जाता है कैनाइन, राइट. सो कैनाइन इज़ लिंक्ड विद टीथ. जो कई लोग के जो दांत रहते हैं लंबे लंबे, जिस दांत से आप क्या कर सकते हैं, फ्लैश को चीर सकते हैं, राइट. तो उसको हम कह देते हैं कैनाइन. ऐसे डॉग की जो फैमिली है उसको फेलिन के नाम से जाना जाता है. द फैमिली ऑफ डॉग्स इज नोन एज फेलिन, द फैमिली ऑफ कैट्स इज नोन एज कैनिन, राइट. और कैनिन टीथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट. आपने पढ़ा होगा मोलर टीथ हैं और फ्रंट में रहते हैं, और है ना, पढ़ा है ना वो भाई. और ये जो लोग रहते हैं, इनके जो दांत होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं, वो यू नो शार्प टीथ्स होते हैं. और यहाँ पे इनके इस तरह से कैनाइन टीथ रहते हैं, फ्लैश को चीरने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जब कभी शेर की दहाड़ सुनोगे, राइट, और या सॉरी ये उल्टा बता दिया मैंने, उल्टा बता दिया. तो डॉग के भी ये टीथ रहते हैं, फेलाइन कैट हो जाएगा ये, सॉरी, थैंक यू वेरी मच, यू नो. सो कैनाइन इज़ विद द फ्लैश, राइट, बिकॉज द इट इज रिलेटेड टू दैट, राइट. थैंक यू वेरी मच. फेलाइन इज़ विद द कैट, एंड दिस पर्सन इज ईटिंग अ लॉट, सो इट विल बी कैन बी कॉल्ड एज वोरेशियस, राइट. वोरेशियस पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको हम वोरेशियस कहते हैं. ठीक है जी, आगे आ गए हमारे फोबियाज एंड मैनियाज, राइट. या थैंक यू वेरी मच विशाल रावल. कैनाइन रिलेटेड टू यू नो आई जस्ट यूज द अदर वे राउंड. ओके, फोबियाज इज रिलेटेड टू फियर, डर किसी चीज का, किसी भी चीज का डर जो कहीं भी पैदा हो जाता है उसको हम फोबिया बोल देते हैं. तो जैसे हमें एक वर्ड यूज होता है क्लस्ट्रोफोबिया, ये एग्जाम्स में बहुत यूज हुआ है, क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, राइट. ये लोग कई बार कुंडी नहीं लगाते, ऐसे ही ओपन रखते हैं. गाड़ी में भी ये शीशे ऊपर नहीं करते, लिफ्ट में जाना ये पसंद नहीं करते. पीपल हु फियर क्लोज स्पेसेस वी कॉल इट एज अ यू नो क्लस्ट्रोफोबिया, राइट. उसके अलावा बहुत सारे, किसी भी चीज़ से आपको डर लगता है और किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो उसको हम अलग अलग फोबियाज को यूज़ करते हैं. जैसे कि हाइट के फोबिया को हम एक्रोफोबिया के नाम से जानते हैं. तो हमने ये फोबियाज रट्टा नहीं मारने हैं, नहीं, बिल्कुल भी रट्टा मारने का पर्पस नहीं है. हमारा पर्पस है कि हम रिलेट कर पाएँ, सीख पाएँ कैसे हम वर्ड्स को लिंक करते हैं और कैसे हम रूट से रूट निकालते हैं. जैसे फोबिया का रूट पता है मेरे को, राइट. फोबिया इज विद द फियर. एक्रो यू फ्रॉम हियर यू नीड इट इज लाइक फॉर द, किसके लिए भाई? ये हमारा हाइट के लिए. जैसे ब्लड के लिए हीमेटो है, हीमा, हीमा जो वर्ड है, हीमोग्लोबिन भी वहां से बनता है. और हीमेटोफोबिया ये उस लाइन में चला गया, राइट. ऐसे ही जैसे हमारा स्किन है, स्किन के लिए हम क्या यूज करते हैं? डर्म, राइट. डर्म, राइट, हमारी जो स्किन है. तो डर्मी कूल, सुना है ना, पाउडर आता है डर्मी कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, डर्मी कूल. तो डर्मी, डर्म इज फॉर वर्ड यूज फॉर, ठीक है, स्किन. ऐसी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस भी आ जाता है जो कि हम यूज करते हैं, राइट, स्किन रिलेटेड यू नो डिजीज के लिए, राइट. फोबिया मीन्स फियर, किसी भी चीज़ का फियर हो सकता है. अकेले रहने का डर, ऑटोफोबिया. ऑटो मतलब जो अपने आप चले, ऑटोमोबाइल जैसे हो गया. एंथो,
Anthophobia. Anthophobia is flower cedar. And then then we have to see which one is the famous one. Barrow is with the gravity pressure भी आ जाता है उसमें और ये यहाँ पे use करते हैं barophobia, right? Hemato हो गया. ये cooking का तो है ना gents को रहता है usually cooking का fear, right? Crowd का oclophobia. Oclo is with, linked with cried, right? Falling in love, डर प्यार में पड़ने का डर. Philo is for love. फिलो जैसे फिलोसफी पढ़ते हैं हम. फिलोसॉफी मीन्स ज्ञान, सोफिस्टिकेटेड नॉलेज. तो फिलो लव फॉर नॉलेज इज कॉल्ड फिलोसफी. पायरो फायर के साथ जो चिता की अग्नि है उसको भी पायरे के नाम से जाना जाता है. पायरे, राइट? तो ये कनेक्शन बन रहे हैं, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? वी आर ट्राइंग टू मेक द कनेक्शंस और इन कनेक्शन से आप धीरे धीरे वर्ड्स सीखेंगे. Are you understanding? जैसे हमारा हाइड्रो है तो ये किसके लिए? वाटर के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है? हाइड्रल प्रोजेक्ट कहीं भी यूज़ करते हैं. इक्विनो हम यूज़ करते हैं हॉर्सेस के लिए. ये आप वर्ड पारमेडिजी में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. देखिए, रूट्स याद करने का और लर्न करने का बेस्ट वे जो है वो है वर्ड पारमेडिजी जो मैंने आपको सिखाया. उसमें बहुत अच्छे तरीके से है. ऐसा नहीं है कि एक लिस्ट उठा लीजिए उसको याद कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है. उस वर्ड्स को हमने यूज़ भी करना है और उसका हमें यूजेस भी पता होना चाहिए. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और सारा जो हमारा दिया रहता है दैट इज़ नॉट नेसेसरली इंपॉर्टेंट. लिस्ट मिल जाएगी आपको, हज़ार फोबियाज़ की लिस्ट मिल जाएगी, बट उसमें से कौन कौन से रूट आप पकड़ पाते हैं और उस रूट्स को आप यूज़ कर पाते हैं और फिर वर्ड्स के साथ रिलेट कर पाते हैं. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. दिस इज़ वॉट वी नीड टू link and this is what we need to learn. Are you getting it? This class is not to give you some, ये तो ठीक है by default free में आपको ये roots मिल रहे हैं, but मैं आपको technique समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि roots अगर आप लिखना और पकड़ना और ये book करना शुरू कर देंगे तो you will automatically be able to पिक अप अ वर्ड. जो नहीं भी समझ में आ रहा उसको भी पकड़ लिया, भैया अच्छा ये हो सकता है इसका मीनिंग, राइट? क्योंकि ये रूट इस वर्ड में ही रूट यूज होता है. तो कोई भी जो नया वर्ड लर्न कर रहे हैं उसका रूट साथ में देखना ज़रूर शुरू कीजिए. ओके, फिर आ गया मैनिया, राइट? मैनिया मतलब किसी चीज़ का पागलपन. जैसे यू कैन से मैथोमैनिया मैथ्स करने का पागल, शॉपिंग करने का हो सकता है. तो उसके लिए जो वर्ड हैं, शब्द हैं, वो यूज़ किए जाते हैं, उसको हम मैनिया. इसमें से एक बड़ा फेमस है, दैट इज़ क्लेप्टोमैनिया, राइट? जो चोरी करने की आदत हो जाती है, राइट? लत लग जाती है किसी चीज़ की, ठीक है? या इसमें कोई डाउट नहीं है कि वर्ड पारमेडिसी बेस्ट है. ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग है. उसके बाद मैंने जो सेकेंड पार्ट बताया कि वर्ड्स को कलेक्ट करना है, अपना खुद का वोकैब लिस्ट बनाना है. और जब वो वोकैब लिस्ट बन रही है आपकी खुद की तो उसमें ये सारी टेक्निक लगा देनी. अच्छा, ये फोबिया आ गया भैया, ये मेरा मैनिया आ गया, ये हमारा रूट आ गया, ये हमारा प्रीफिक्स आ गया, ये हमारा सफिक्स आ, और उसके साथ लिंक. अरे यार, इसके जैसा वर्ड तो ये भी होता है. कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पकड़ लिया वहाँ पे, राइट? हाँ जी, डिस्पोमैनिया इज ड्रिंक करने की बहुत ज़्यादा कंपल्शन रहती है, राइट? पियक्कड़ जो रहता है. पायरो पर्सन ऑफ हैज ए पर्सन फॉर फायर, जैसे हमने किया था ना पायरे, ठीक है? मैनिया कौन हो गया भाई? इनसेन पर्सन, राइट? ओके, जैसे ईगो मैनिया, टू बी ईगो, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ये वर्ड हमने वर्ड पारमेडिसी के पहले चैप्टर में ही आ जाता है. ईगोइस्ट एंड द वर्ड इज ईगोटिस्ट ऑल्सो, जो टॉक बहुत करे. ईगोइस्ट जो अपने आप को समझता है 30 मार्क का, और ये अपने आप को बताता भी है कि भाई मैं, है ना. बिब्लियो इज लिंक्ड फॉर बुक्स के साथ है. तो ऐसे 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 हम लिंक करते चले. आज सब याद नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? आज अगर याद नहीं कर पा, ना ही हमारा पर्पज़ है आज इनको रट्टा मारना, बट धीरे धीरे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई हमने जो रूट्स हैं उनको कलेक्ट करते जाना है, सो दैट by end of 2 months you have enough good number of roots. isms जैसे ologies और isms रहते हैं, right? कुछ भी करने का, जैसे capitalism है, socialism है, right? इस पर हम अलग से एक हमारा RC में हम class करेंगे, right?
इसमें नार्सिसिज्म है, जैसे सेल्फ लव, नार्सी के साथ स्टोरी है एक छोटा सा, ठीक है, नार्सिसिज्म, तो इसीलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है। इसके लिए हमारा एक पूरा क्लास है जिसमें हम कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, अलग अलग तरह की, और यू नो एनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, उन उन चीज़ों को समझेंगे। वाद, कोई भी वाद, किसी भी चीज़ का जो वाद रहता है, उसका जो प्रथा है वो हम राइट। देन कम्स इज ऑलोजीज। ऑलोजी मीन्स स्टडी, ऑलोजी मीन्स स्टडी, किसी भी चीज़ को स्टडी करना वो ऑलोजी होगा। जैसे पैथोलॉजी कहते हैं, पैथ वर्ड इसने दिया हुआ, याद दिया हुआ, पैथोलॉजी, पैथ हो जाता है हमारा डिजीज से, जैसे आपने सुना ना डॉक्टर पैथ लैब, हाँ बड़ा फेमस है, तो पैथ कहाँ से आ जाता है, डिजीज के साथ, पैथोजन्स, पैथोजन भी हम कह देते हैं, राइट राइट। इसके साथ जैसे एक वर्ड है पैडा, ठीक है, तो पैडा बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे पैडल में यूज़ हो गया, राइट, हालांकि इसकी फॉर्म बदलती रहती है। पैडल मतलब शुरुआत करना, पैडागॉजी, राइट, पैडागॉज, पेडियाट्रिक्स, राइट, यू नो पैडा, पैडा मीन्स पैडल से चलाइए, पैडल भी वहीं से है, पैडा मतलब किसी चीज़ को सिखाना, सिखाने की, या बच्चों के, इसलिए भी हम बच्चों के डॉक्टर को बोल देते हैं पेडियाट्रिक्स, ये रहा देखो, है ना, पेडियाट्रिक्स, हालांकि इनके जो स्पेलिंग है वो चेंज हो जाते हैं, बट इट रिमेन्स सेम, वहीं पे रहता है कि जो हम समझते हैं जो है हमारा पेडियाट्रिक्स है, राइट। एंड देन कम्स इज ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थो कहाँ से वर्ड यूज़ होता है, ऑर्थो यूज़ होता है स्ट्रेट के लिए, सीधा हो जो, राइट, बिल्कुल सीधा, हड्डियाँ सीधी होती हैं यूजली, तो हड्डियों के लिए हम हड्डियों के डॉक्टर को क्या कह देते हैं, ऑर्थो, बट इसी के साथ आपका वर्ड आ जाएगा ऑर्थोडॉक्स, राइट, ऑर्थोडॉक्स होती है ना ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। अब डॉक्स शब्द आया, इसके साथ आपका वर्ड आ गया पैराडॉक्स, राइट, समझ आ रहा है ये चीज, प्रीफिक्स पकड़ा, प्रीफिक्स के हमारा एक नया सफिक्स जुड़ा, उसके साथ एक हमारा नया आ गया, और फिर नया रूट आ गया पैरा, राइट, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, राइट, पैडा फुट, पैरा, राइट, पैरागॉन, राइट, पैरामीटर, पेरीमीटर, पेरी वर्ड आ गया, फिर उसके सिमिलर साउंड वाला, पेरीफ्री, पेरीफेरल, राइट, ऐसे। तो ऑलोजीज में क्या क्या है, जैसे हम ये पढ़ के अपने आप समझने वाला, एपिडेमियन, एपी सरफेस के लिए यूज होगा, ऐसे वर्ड होता है एपी सेंटर, एपी सेंटर ऑफ एनीथिंग, वैसे तो जहाँ अर्थक्वेक आता है उस जगह को, उस जगह का जो मेन है उसको एपी सेंटर बोल देते हैं, बट कहीं भी किसी भी चीज़ का जो मेन वो रहता है कि भी, जैसे पॉलिटिक्स का एपी सेंटर कहाँ पर है ना, किसी भी चीज़ का जो गढ़ है, राइट, गढ़ बोल सकते हैं उसको, दैट वी कॉल इट एज एपी सेंटर। इनमें से जो हिमेटो आपको पता चल गया भाई ब्लड के साथ होगा, है ना, पहले किया था हिमेटो। ऐसे ही अगर हम वर्ड रूट्स में जाएं, आपने कभी सोचा कि यार ये दिसंबर लास्ट मंथ क्यों होता है, व्हाई दिसंबर इज लास्ट मंथ, प्रॉब्लम है इसके साथ, राइट, वैसे तो डेक 10 होता है, डेक 10 होता है ना, नौव 9 होता है, राइट, ऑक्ट 8 होता है, राइट, 8 होता है ना ऑक्ट, सेप्ट 7 होता है, सेप्ट क्या होता है, 7, 7, इसको हेप्ट भी बोल देते हैं, हेप्ट, और यहीं से वर्ड बनते हैं सप्ताह और हफ्ता, सप्ताह है ना भाई, हाँ, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, बट ये सितंबर 9th मंथ, अक्टूबर 10th मंथ, और ये सब में दो दो क्यों जुड़ गया, क्यों जुड़ गया वो हम समझते हैं। देखिए, पहले जो जनवरी है वो 11th मंथ था, फरवरी 20 जो है वो हमारा लास्ट मंथ था, इसीलिए फरवरी में हमारा दिन प्लस माइनस करते हैं, राइट। एनी हाउ, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है तो उसके बाद जो हमारा कैलेंडर है वो शुरू से शुरू किया जाता है, तो कहते हैं कि इसके पहले का सब जीरो कर दो, तो उनका जन्म दिसंबर में होता है, तो वो नया कैलेंडर जनवरी से शुरू कर लेते हैं, एंड दे कंसिडर जनवरी टू बी द फर्स्ट मंथ। और क्योंकि आपको पता है कि भाई ब्रिटिशर्स पूरे विश्व में काफ़ी जगह उन्होंने अपना परचम फैलाया, तो इसीलिए जो ये उनके जो गेम्स हैं, उनका जो प्रोग्राम है, वो सारा फेमस हो गया, तो जिसमें से ये कैलेंडर भी है, ठीक है, ये वाला कैलेंडर जो है वो ज़्यादा फेमस हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर आगे आपका जो है, जैसे हम साइकोलॉजिस्ट है ना, उसके बाद आ गया आपका जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, पैथोलॉजी, राइट,
ये जो मेन मेन है जिनके हम प्रीफिक्स गाइनोकोलॉजी, गाइनी रिलेटेड विद योर गाइनी रिलेटेड विद फीमेल एंड देयर डिसऑर्डर्स, राइट? तो जो गाइनोकोलॉजिस्ट कहते हैं, जो फीमेल्स का डॉक्टर रहता है, राइट? ये सारा आपको एक पूरा वर्ड पर रेमिडीज में बहुत अच्छे तरीके से उसने इसको समझाया हुआ है, ठीक है? ऑप्थमेलो आई थिंक आई के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? ऑप्थेलोमोलॉजिस्ट, ऑप्थेलमोलॉजिस्ट, राइट? आई थिंक इट इज़ फॉर आई, आप करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो, प्लीज़ डू करेक्ट। हाँ, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, है ना? बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, राइट? एंडर, एंडर वर्ड बहुत फेमस है, अच्छा है। एंडर इज ए वर्ड फॉर मैन, तो जो एंडरसन हो गया वो क्या हो गया, बंदे दा पुत, सन ऑफ ए मैन इज एंडर। और जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड यूज करते हैं ना हम एंड्रॉयड ऐप, तो एंड्रॉयड का अगर आप देखेंगे वो ऐसे बना रहता है, ऐसे बना होता है। तो वाई इट इज कॉल्ड एंड्रॉयड, बिकॉज इट इज ह्यूमन लाइक, राइट? इट इज ह्यूमन लाइक, तो एंड्रॉयड इज ह्यूमन लाइक। एंडर मीन्स ऑप्थाइज आई, या थैंक यू वेरी मच, राइट? गायनोकोलॉजिस्ट विद, यू नो, जैसे मीजोगाइनिस्ट हो सकता है, जो वुमेन से हेट करता है, नो, मीजो मीन्स टू हेट। मीजोगैमिस्ट, गैमिस्ट मतलब शादी, शादी गेम, ऐसे याद कर सकते हो, गैमी, है ना, मीजोगैमिस्ट, पॉलीगैमी, ऐसे बहुत सारे रूट्स बन सकते हैं। तो इनका पर्पस क्या है? पर्पस ये कि इन रूट को समझना, यूज करना, रट्टा नहीं मारना। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप जाएं और यू नो उसको रट्टा मारना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। उसके साथ रिलेट करके कि भाई क्या 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 चीज़ है और वो यू नो हम कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रो इज आई थिंक विद योर स्टमक, ठीक है? गैस्ट्रो ये स्टमक के लिए होगा शायद, हाँ। इनसे काफ़ी चीज़ें हमें रूट्स मिल जाती हैं। इम्यूनिटी, इम्यूनो, है ना, द वर्ड यहाँ से आ जाता है, राइट? हेट फॉर फीमेल, या राइट, आगे चलते हैं। ये मैं आपको एक रूट बताता हूँ, जैसे हम गेम खेलते थे, कौन सी गेम खेलते थे, कॉन्ट्रा गेम खेली है भाई किसी ने? पॉलीएंड्रिया, उसमें एक और वर्ड है फिलएंडर, फिलएंडर, द मैन हु लव्स मैन, फिलएंडर, द पर्सन हु लव्स मैन, नॉट यू नो इन दैट सेंस, बट आई थिंक देयर इज ए वर्ड इन पंजाबी कॉल्ड लंडर, लंडर इज यू नो कंसिडर्ड टू बी इल मैनर्ड मैन, सो इट मे हैव सम लिंक विद फिलएंडर, राइट? बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे ये शब्द है फैलम, फैलम शब्द है, तो इसको हिंदी भाषा में फैलगम या जो म्यूकस होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, राइट? फैलम है, फैलम इज फॉर म्यूकस, ठीक है? सुपर कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा इज मीन्स टू किसी अदर, कॉन्ट्रा मीन्स अदर, है ना, किसी चीज़ को दूसरा करना, तो दूसरा हो गया अदर, तो इसीलिए यहीं से वर्ड आता है कंट्री, कंट्री मीन्स अदर, अदर पार्ट ऑफ दिस इज वी आर नॉट दिस, सो वी कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, सो कंट्रा से ही कंट्री शब्द बनता है, राइट? वैसे कंट्री होने के लिए ना चार कंडीशंस चाहिए, ये सुन लो कौन कौन सी चार कंडीशन चाहिए कंट्री होने के लिए। पहला कंडीशन कंट्री के लिए भैया क्या चाहिए रहता है हमें, कि उनके पास एक पीस ऑफ लैंड होना चाहिए, राइट? और वो हैबिटेबल, यू नो, उसमें हैबिटेड होना चाहिए, वहाँ पे कुछ लोग रहते हों, एंड देयर हैज़ टू बी अ गवर्नमेंट, राइट, जो उसको चलाती है, हु हैज़ द ऑनरशिप, एंड इट हैज़ टू बी सॉवरेन, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, प्रभुसत्ता होनी चाहिए, किसी का उस पर क्लेम नहीं होना चाहिए, इसीलिए नंबर ऑफ कंट्रीज आर नेवर यू नो कंप्लीट, राइट, नेवर एक्यूरेट, बिकॉज देयर आर सम कंट्रीज हुज टेरिटरीज आर डिस्प्यूटेड, विद इन कंट्रीज आर डिस्प्यूटेड, एंड देयर आर सम कंट्रीज हु रिकॉग्नाइज सम कंट्रीज, देयर आर सम हु डू नॉट रिकॉग्नाइज इट, सो बाय एंड लार्ज वी गो बाय यूनाइटेड नेशंस, राइट? वट एवर यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज, दैट इज द नंबर ऑफ कंट्रीज, राइट? तो ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट, डिक्ट मतलब बताना, राइट, बोलना, राइट, जैसे हम कह देते हैं प्रीडिक्ट, राइट, प्रीडिक्ट, पहले से ही बता दिया, डिक्टेशन, डिक्टेट करके बताना,
डिक्टेटरशिप, जो बोले भाई तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो, डिक्शनरी राइट, कॉन्ट्राडिक्टरी या, तो डिक्ट मीन्स टू स्पीक, डिक्ट इज टू से, ऐसे ही क्रिप्ट होता है, क्रिप्ट इज टू राइट, स्क्रिप्ट ना, इसको डिकोड कर देते हैं जब, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्ट करना, किसी चीज को छुपा लेना, राइट, किसी चीज को छुपाना, स्क्राइब इज टू राइट, स्क्राइब स्क्रिबल, यू नो, जैसे कोई बंदा करता है प्रिस्क्राइब प्रोस्क्राइब, दोनों अलग अलग हैं, प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर और कुछ चीज़ें प्रोस्क्राइब करता है, प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब में कोई फर्क बताएगा, फटाफट लिख के बताना भाई, राइट, क्रिप्ट क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्शन इनक्रिप्ट कर देता है, डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं, छुपा देते हैं, राइट, इनक्रिप्शन क्रिप्ट, राइट, ओके, कॉन्ट्रा इज टू, कॉन्ट्रा इज टू अपोजिट, कॉन्ट्रेरी है ना, कॉन्ट्रैक्ट, एक वर्ड यूज होता है काउंटर प्रोडक्टिव, कोई चीज़ फायदे के लिए लगाई थी बट उससे उल्टा नुकसान हो जाता है, दैट इज कॉल्ड काउंटर प्रोडक्टिव, राइट, काउंटर प्रोडक्टिव, राइट, और कॉन्ट्रा ये गेम, तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दिस इज हाउ यू क्रिप्टोग्राफी, या क्रिप्टोग्राफी इज अनदर वर्ड, ग्राफ वहां से आ गया आपका, ये कॉमन 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 रूट्स हैं जो आपको जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे धीरे 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 आप डिफिकल्ट वर्ड्स को भी हाथ डाल पाएंगे, तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज आर्टिकल, इस आर्टिकल में से कैसे वर्ड निकालने हैं, राइट, प्रोस्क्राइब इज टू प्रोहिबिट, प्रिस्क्राइब इज टू रिकमेंड, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, राइट, प्रोस्क्राइब करना कि भाई नहीं करना, मना कर देना किसी चीज़ को, ये नहीं करना, राइट, इज इट क्लियर टू एवरी वन, शैल वी मूव अहेड गाइस, राइट, इसको अब हम पढ़ते हैं भाई, इसमें हम वर्ड्स देखते हैं क्या क्या मिलेंगे हमें, है ना, नए नए शब्द मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले आया अ ड्रामेटिक रेफरेंडम लीव्स यूके डिवाइडेड एंड द ईयू प्रोजेक्ट इन जेपार्डी. Now you need to know what is the meaning of the word jeopardy, right? तो jeopardy word का उससे पहले word आ जाता है referendum, लिख लीजिए भाई referendum, right? Referendum का meaning लिख लीजिए, उसके बाद jeopardy का लिख लीजिए, साथ साथ में अगर चाहें तो आप Google सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना ज़्यादा क्लैरिटी होगा, कई बार हमें होता है कि भाई आधा आधा मीनिंग पता है, पूरा नहीं पता है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग तो आ गया बट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आया, तो एग्जैक्ट मीनिंग के लिए राइट आप उसकी गूगल की और अपने जो डिक्शनरी है उसकी मदद ले सकते हैं, डिक्शनरी थोड़ा पुराना हो गया राइट बट अभी कर देते हैं, तो रेफरेंडम हो गया आपका जनमत, पब्लिक वोट, पब्लिक वोट को बोल देते हैं राइट, जनमत पब्लिक वोट होता है, कोई भी इशू होता है जिस पे गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पाती है तो कई बार वो लोगों से वोट करवाती है कि भाई आपको पता होगा थोड़ी देर पहले ब्रेग्जिट पे हुआ था, ब्रिटेन एग्जिट राइट, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का जो एग्जिट होना है उसकी हमने बात की थी, यूनाइटेड किंगडम चार पार्ट है बेटा जी, चार चीज़ें हैं यूनाइटेड किंगडम में, क्या क्या आता है लिख के बताइए फटाफट, या एक तो आता है आपका इंग्लैंड, एक आता है आई थिंक नॉर्दर्न आयरलैंड एंड देन यू हैव स्विट्ज़रलैंड एंड आई थिंक वेल्स, साउथ वेल्स ऑल्सो, स्कॉटलैंड है शायद, स्विट्ज़रलैंड नहीं है, स्कॉटलैंड है राइट, स्कॉटलैंड है, स्विट्ज़रलैंड तो बहुत इधर आ गया, ठीक है, स्कॉटलैंड एंड साउथ वेल्स राइट, आई थिंक दीज आर द फोर कंट्रीज विच कम्स इन योर यू नो दिस थिंग राइट, तो जेपर्डाइज हो गया किसी चीज़ को खतरे में डालना, ठीक है, तहस महस कर देना, खराब कर देना, तबाह कर देना, जेपर्डाइज राइट, so put anything into danger is you know at a risk is we call it as a jeopardy right, UK's impending exit, impending matlab hone wala hai, kya keh raha hai, khud hi keh raha hai, I am pending, jo pending abhi hone wala hai, karne wala hai, you know, jaise aapke bahut sare kaam pade hain aur aap kar denge unko to impending ho gaya, impending ho gaya right, I am pending, ऐसे ही वर्ड आते हैं इम्पर्टिनेंट राइट, इम्पर्टिनेंट, एक पर्टिनेंट हो गया उसके जैसा इम्पर्टिनेंट हो गया राइट,
इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट मतलब रूड, कोई शो रिस्पेक्ट नहीं करना, टू नॉट टू रिस्पेक्ट समथिंग. वेयर एज पर्टिनेंट मीन विल बी मीनिंग, पर्टिनेंट विल बी क्या हो जाएगा भाई, पर्टिनेंट रेलेवेंट हो गया, ठीक है, समथिंग विच इज पर्टिनेंट, इट इज वेरी मच पर्टिनेंट. इम्पर्टिनेंट विच इज यू नो नॉट रेलेवेंट, कैन यू से, यू कैन से रूड ऑल्सो, राइट. एग्जिट फ्रॉम वर्ड्स मोर सिग्निफिकेंट, कलेप्स ऑफ कम्युनिज्म, सो यहाँ पे इज्म आ गया. सो यू शुड बी नोइंग वट इज कम्युनिज्म एंड हाउ कम्युनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम सोशलिज्म, राइट. उसमें हम फिर मार्क्सिज्म की भी बात करेंगे, राइट, लेनिनिज्म की भी बात करेंगे, क्योंकि ये उसी के वर्जन्स हैं, राइट, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, राइट. और इसमें हम ये अलग से जो मैं क्लास कराऊंगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा आरसी के पार्ट, क्योंकि ये अलग से बहुत डिटेल है, ठीक है ना. आगे आ गया भाई, द डिफरेंस दिस टाइम इज दैट द सिग्नल शिफ्ट टूवर्ड्स कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट वैसे यूज करते हैं हम, हमें पता है देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, बट एग्जैक्टली इट मे बी क्लासिफाइड इन टू 4 कॉन्टिनेंट्स ओनली, एंड देयर कैन बी मे बी 10 कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो, बिकॉज कॉन्टिनेंट को डिफाइन करते हैं लार्ज पीस ऑफ लैंड टूगेदर, राइट. तो जो यूरोप है और एशिया है, ये भाई लैंड से कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, राइट. हमारे बीच में कोई समंदर नहीं आता है, तो इसीलिए इसको कई जगह एक कॉन्टिनेंट भी मान लेते हैं, ठीक है ना. इसको यूरेशिया भी कहा जा सकता है, राइट, यूरेशिया, राइट, यूरेशिया कह सकते हैं इसको हम, राइट, ओके. द डिफरेंस इन दिस टाइम इज दैट द सिग्नल ए शिफ्ट टूवर्ड्स इंसुलैरिटी, इंसुलेशन, इंसुलेशन से शब्द है इंसुलेट करना, अलग कर देना, इंसुलेशन की वायर्स यूज होती हैं, राइट. सो विच मे नॉट लीड टू यूकेज अनरेवलिंग, अनरेवलिंग मतलब उसको अलग अलग कर देना, ठीक है. जैसे कोई आपका जो जो जिससे हम निटिंग करते हैं, वूल होता है, उसमें उलझने हो जाती हैं, तो उसको खोलना, उलझन को सुलझाना इज यू नो इट्स टू अनडू, अनरेवल इज मीन्स टू यूकेज अनरेवलिंग, उसको खोल देगा. मे नॉट ओनली लीड टू बट ऑल्सो जेपरडाइज, जेपरडाइज अगेन मीन्स आ गया पुट इन डेंजर द 7 डिकेड ऑफ यूरोप्स इंटेग्रेशन. इंटेग्रेशन मतलब भाई उसको जोड़ना, है ना, डिफ्रेंशिएशन, अलग अलग करना, राइट. मेरे को याद आया हमारे बहुत अच्छे एक सर थे, वो मैथ्स पढ़ाते थे, उन्होंने एक दिन आए क्लास में, एक कागज का पीस लिया, उसको फाड़ दिया, बोले ये हो गई डिफरेंशिएशन. फिर बोला कि इसको जोड़ लो, बोला ये हो गया इंटेग्रेशन. बहुत बार जब मैं बच्चों को मैथ्स कराता हूँ, केवल मैं पूछ लेता हूँ कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटीग्रेशन, वो बोले सर इंटीग्रेशन का मतलब ये लगाना होता है, दैट्स इट, और डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स, राइट. अब ये है क्या, हमें नहीं पता. फिर भैया एरिया अंडर द कर्व और ये सारी कहानी कहाँ से आएगी, क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ ये याद किया है फार्मूला. सेम वे जो ये है, राइट, ये क्या होता है, ये साइन होता है, साइन, साइनोसोडियल वेव से आया. ये तो हम शॉर्ट फॉर्म में सिन लिख देते हैं, और सिन ही करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में इसकी अच्छी बात करेंगे. तो अनरेवलिंग क्या हो गया बेटा जी, अनरेवलिंग हो गया उसको खोल देना, अनडू कर देना, जैसे यूके चारों से बना हुआ है और उसको, ओके. द लीव वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब डिक्ट, डिक्ट वर्ड आ गया ना, बोल दिया, जो भी फैसला सुनाया जाना उसको हम बोल देते हैं वर्डिक्ट. Of Thursday's referendum about whether to remain in U2 triggered jubilion. Jubilion means खुशी का माहौल, जहाँ पे celebration होती है, ठीक है, उत्साह. Trigger करना, trigger घोड़ा होता है ना, जैसे trigger होता है, जैसे आप pistol रहेगा, right? उसका जो ये pistol का आपने देखा होगा, ये trigger रहता है, जिसको दबाने से, right? Trigger, to trigger something, किसी चीज़ को start करना. चलती हुई चीज़ को फास्ट करने के लिए हम कैटलिस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, कैटलाइज करना किसी चीज़ को, ट्रिगर करना मतलब भाई यू नो उसको स्टार्ट करना, ओके. अमंग द राइट पार्टीज अक्रॉस यूरोप, ऑल ऑफ हु वांट देयर कंट्रीज टू गेट अलोंग, प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन्स इलेक्शन प्रॉमिस टू रेफरेंडम विल लाइकली टू गो एज ए हिस्टोरिकल ब्लंडर. बहुत बड़ी गलती, ऐसी एक हमारे भारत की, उसमें भी एक राजा थे,
उनको मूर्खों का राजा भी कहा जाता है हिस्ट्री में, उन्होंने इंडिया की राजधानी को भोपाल में आई थिंक सेंटर ऑफ द उसमें ले गए थे, क्योंकि दिल्ली से पूरा वर्ल्ड कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल, पूरा इंडिया कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था, खास करके साउदर्न स्टेट। तो इसीलिए उसने सोचा कि भाई अगर मैं सेंटर ऑफ इंडिया में अपनी कैपिटल रखूँगा तो बेटर होगा। बट ये बहुत सारे लोगों को, क्योंकि दिल्ली वॉज ए यू नो फाइनेंशियल दिस योर ट्रेड कैपिटल ऑल्सो, वह उसको ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, एंड इट लीव यू नो सब्जेक्ट टू इन्वेजन्स फ्रॉम आउटसाइड। चलिए, तो हिस्टोरिकल ब्लंडर किया विच हार्म्ड कंट्रीज एंड ऑल्सो एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द वर्ल्ड, राइट। फिर आ गया भाई आयरोनिकल, यहाँ जब हम फिगर्स ऑफ स्पीच करते हैं उसमें हम बहुत सारी ये करेंगे, तो ये भी आरसी के एक पार्ट में हम करेंगे जहाँ पे हम फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे। और वहाँ पे एक सबसे फेमस है, बड़ा अच्छा है, ठीक है, उसको कहते हैं हमारा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या रहता है भाई, ये डिटेल में कराऊंगा मैं। ऑक्सीमोरॉन इज व्हेन देयर इज समथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट, और वो दो शब्द एक साथ में यूज किए जाए, राइट, जैसे हॉट है नो नो कूल समर, इट्स ए कूल समर, सो समर्स आर नॉट कूल, सो बट यू आर यूजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल होता है हैप्पीली मैरिड, राइट, हैप्पीली मैरिड, तो ये ऑक्सीमोरॉन है। ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं, पन है आपका, ऑक्सीमोरॉन है, सिमिली है, मेटाफर है, ये समझ जाएंगे, ये आरसी में आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसकी अलग क्लास है, फिगर्स ऑफ स्पीच की एक अलग क्लास कराऊंगा, डोंट वरी, राइट। जिनको पहले से आते हैं भाई, बहुत अच्छा है। आयरोनिकली कैमरन हु कैंपेन्ड अगेंस्ट वाज हिज फर्स्ट विक्टिम, विक्टिम मतलब जो उससे जिसको यू नो दोषी ठहराया जाता है, जो आपका कह सकते हैं कि कल्प्रिट जो रहता है, विक्टिम हो गया भाई, जो सबसे पहले जिसको असर होता है, विक्टिम मतलब नॉट दोषी ठहराया जाता है, वो तो कल्प्रिट हो गया, विक्टिम क्या कहेंगे इसको हिंदी में, क्या बोलेंगे, विक्टिम जो हो गया, जो उससे असर होता है कि भाई पहला उसका असर क्या हुआ, जैसे हमारा ये कोरोना हुआ, तो उसमें सबसे पहले विक्टिम कौन थे, जो लेबरर थे, डेली वेजर्स थे, सो दे वर द फर्स्ट विक्टिम ऑफ यू नो क्लोज डाउन ऑफ लॉकडाउन, राइट। या थैंक गॉड जो लोग ऑनलाइन वॉनलाइन कर सकते हैं, दे कुड वेरी वेल वर्क फ्रॉम होम, बट भाई एक डेली वेजर कहाँ से वर्क फ्रॉम होम करेगा, सो ही वॉज द यू नो मोस्ट इफेक्टेड विक्टिम। एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लूम्स लार्ज, राइट, एंड इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, सो एनीथिंग दैट विच लूम्स लार्ज मीन्स वॉट, राइट, मतलब अपियर एज वेग, वैसे लूमिंग का मतलब रहता है कि जो चीज वेग हो, राइट राइट, एंड दैट इज थ्रेटनिंग ऑल्सो, राइट, so looms large and it's a, it will have uncertainty hai, to isliye to ye bhai you know it is threatening to us, it will have a negative impact on fragile, fragile hota hai jo toot sakta hai, jaise jo kaanch ka glass rehta hai, jo koi bhi kaanch ki item aap mangwate hain courier se, uske upar fragile ka sticker laga rehta hai. India will not remain unaffected even if our economic fundamentals are relatively robust. हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही इसने, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो इकोनॉमी है ये बहुत रोबस्ट है, और जैसे ही आप देखेंगे कि जो 2008 में जो वो आया हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आया, रिसेशन आया, उसमें इंडिया में एक भी बैंक का मर्जर एक्विजिशन नहीं हुआ, ना ही कोई बैंक क्लोज डाउन हुआ, क्यों, क्योंकि जो बेजल थ्री में नॉर्म्स दिए गए, राइट, वो इंडिया बहुत पहले से ही कर रहा है, हम पहले ही बहुत ज़्यादा सेविंग करके चलते हैं, हमारी जो है इकोनॉमी फ्रेजाइल नहीं है कि भाई आज कमाया कल खर्च कर दिया, इतना गोल्ड है घरों में कि बहुत, और यू नो इंडिया सबसे बड़ी कंजम्पशन मार्केट है, तो इकोनॉमी का सबसे लीस्ट इम्पैक्ट अगर किसी कंट्री पर होगा तो वो इंडिया होगा या चाइना होगा, क्योंकि इंडिया में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है और हमारी जो इकोनमी है वो काफ़ी रोबस्ट है, राइट, एंड विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू फाइनेंशियल मार्केट,
राइट, तो कह रहे हैं कि भाई इफेक्टेड नहीं रहेगा, हमारी इकॉनमी रिलेटिवली रोबस्ट है, बट फिर भी ये ट्रांसमिट हो जाएगा. ब्रेग्जिट आउटकम पुल्ड डाउन सेंसेक्स बाय दिस थिंग. ओके 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 ओके. इंडिया मस्ट बकल डाउन. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बकल अप एंड बकल डाउन. राइट, बकल अप मीन्स लिटरली मीन्स टू पुट अप ए बेल्ट एंड उसको पहन लेना. बकल डाउन मीन्स टू गेट रेडी. राइट राइट, कमर कस लेने को हम कहेंगे बकल डाउन. राइट, डोमेस्टिक रिफॉर्म एजेंडा एंड दिस इज बेस्ट एंटीडोट. एंटीडोट जो भाई हमारी क्रिश मूवी में दिखाया गया है, तो शायद हम कोरोना का भी एंटीडोट बना पाएं. तो एंटीडोट इज काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली वैक्सीन, इट इज एक्चुअली वैक्सीन हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एंटीडोट. अब क्या है, कई बार ना ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट, हाउ वैक्सीन वर्क्स, वैक्सीन कैसे काम करती है. वैक्सीन इज ए न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ डिजीज. राइट, उसके जो बैक्टीरिया जर्म्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में डाले जाते हैं और बॉडी उसके लड़ने के लिए पहले से उसका एंटीडोट बना लेती है. राइट, क्रिश मूवी में इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, आप सब लोगों ने देखा होगा भैया. ठीक है, आगे चलें. यहाँ तक समझ में आया, जो जो वर्ड्स लिखे हैं लिख लीजिए भैया. जिनको ये ऑलरेडी आते हैं, जो जो मैंने बोल्ड किए हैं वर्ड्स, बहुत ही अच्छा है. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इंटीग्रेशन, सात, आठ, नौ, यू नो, दस, ग्यारह. सभी लोग बेटा सेम लेवल पे नहीं होंगे, तो मैं सबसे बॉटम वाले लेवल के अकॉर्डिंगली समझा रहा हूँ, क्योंकि जो टॉप लेवल पे है, जिसको ये 13 में से 13 वर्ड आते हैं, शायद उसको तो क्लास की ज़रूरत ही नहीं है. वो तो भैया पहले ही उसका बहुत अच्छा वर्बल है तो वो कर ही लेगा. राइट, बट समबडी जिसको आधे आधे वर्ड्स आते हैं उनको भी बेनिफिट होगा. बट जिनको लग रहा है कि भाई हमारा कुछ बन ही नहीं रहा, अगर RC पढ़ते हैं समझ ही नहीं आता तो क्या करें. राइट, तो उनके लिए ये वाली पार्ट है. राइट, चलें, शैल वी मूव अहेड. राइट, ओके. सो रेफरेंडम वॉज क्लोज, 52% ऑफ द वोट्स वर टू लीव. एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट, एंटी हमारा प्रीफिक्स आ गया जो कि नेगेटिव कर देता है, इमिग्रेशन के उल्टा. ऐसे ही एमीग्रेंट होते हैं, एमीग्रेंट बाहर जाना इज एमीग्रेंट. इमिग्रेशन मतलब अंदर आना. राइट, कई लोग बाहर भेजने का काम करते हैं, कहते हैं कि मैं इमिग्रेशन का काम करता हूँ. हाँ भाई, उस कंट्री के लिए वो इमिग्रेशन है, हमारे लिए तो वो राइट यू नो क्या है वो एमीग्रेशन हो गया. एमी मतलब बाहर जाना. प्लेड ए की रोल, इट अपियर्स टू द वेलकम द डिस्प्ले फ्रस्ट्रेशन विद द इकॉनमी, ब्लेमिंग इमिग्रेंट्स फॉर एवरीथिंग फ्रॉम स्टेगनेंट वेज टू यू नो लिमिटेड जॉब. या ये अभी जो जो कंट्रीज हैं उनमें ये चला हुआ है, सो दे आर ब्लेमिंग द इमिग्रेंट्स. इसीलिए जो ट्रंप भाई हैं वो भी काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट यू नो इकॉनमी प्रोटेक्शनिस्ट पानी पी के बोला जाएगा प्रोटेक्ट, अब नहीं बोला जाएगा. होता है कई बार, क्योंकि बोलते बोलते ना ये मुंह सूख जाता है, और उस तरह से प्रोटेक्शनिस्ट या प्रोटेक्शनिस्ट जो इकोनॉमी है उसमें वो काम कर रहे हैं. राइट, ब्लेमिंग एंड इमिग्रेंट्स फॉर स्टेगनेंट. स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ, थमा हुआ. स्टेगनेंट वाटर जैसे रहता है, वहीं पर रहेगा. राइट, ओके. Wage to limited opportunity. The sentiment has already begun to show up in the form of ये आ गया भैया protectionism in the trade policies. This is unfortunate, particularly for emerging economies. There is a difference between developing and emerging. Emerging जो बाहर निकल के आ रहा है, developing मतलब ही काफ़ी initial stages पे है. इसीलिए ना जो एक BRICS के नाम से एक संस्था बनी, पहले BRIC थी, बाद में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये चारों कंट्रीज जो थे ये बहुत बड़े बड़े एरिया वाले कंट्री हैं. राइट, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, बट ये सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन नहीं है. तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा ब्रिक्स, और उसमें इन्होंने ये कहा कि हम डेवलपिंग नेशंस नहीं हैं, वी हैव क्रॉस्ड अ स्टेज ऑफ डेवलपिंग, वी आर द इमर्जिंग इकोनॉमीज. ठीक है बेटा जी, ओके. द बंकर मेंटेलिटी, बंकर का बनता है ना, ये जब हम किसी को अलाउ नहीं करते. अगेन ये दिस इज लिंक टू प्रोटेक्शनिस्ट. बंकर मतलब अपने आप को सेव करना, डिफेंसिव हो गया.
बिटर कैंपेन स्प्रेड अक्रॉस द अटलांटिक। अटलांटिक मतलब भाई ये अब क्या है, कैसे क्या मीनिंग हो गया। अटलांटिक रिवर है पता होगा आपको, राइट। तो अटलांटिक रिवर जो है, एक साइड में आपका अफ्रीका है, यूरोप है, और एक साइड में आपका अमेरिका है। तो इसके बीच में जो अटलांटिक है, और अगर थोड़ा उसका शेप भी देखेंगे, वो शेप ऐसे है कि कई सारे लगता है कि ये बाद में ये अलग अलग हुए। अगर उसको आप फिट करते हैं ना पजल की तरह, तो जो आपका ये अमेरिका है और जो आपका अफ्रीका है और ऊपर यूरोप है, ये बिल्कुल फिट हो जाता है बेटा जी, राइट। सो यूएस प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पशन मतलब पहले से ही अज्यूम कर लेना, अज्यूम प्रिजम्पशन, अजम्पशन। रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पब्लिक, रिपब्लिक। प्रेजिडेंशियल नॉमिनी डोनाल्ड ट्रंप चैंपियंस प्रोटेक्शनिज्म, ये पता ही है हमें। एंड वॉल्स टू कीप आउट इमिग्रेंट, तो मैक्सिको वॉल की जो बात हो रही है उसके बारे में पढ़ लेना, बहुत बढ़िया रहेगा। काउंटर प्रोडक्टिव, देखो हमने किया था ना वर्ड काउंटर और प्रोडक्टिव, काउंटर प्रोडक्टिव एंड विल हर्ट एवरी वन। मोटिवेशन बिहाइंड यूरोपियन इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट विच वॉज सपोर्टेड बाई विलियम विंस्टन चर्चिल वॉज नॉट टू प्रिवेंट वॉर्स बट ऑल्सो टू यू नो avoid a repeat of beggar thy neighbor, right? The economic policies between wars, कि भाई वॉर के टाइम पे एक दूसरे को जो चलता रहता है, इसके लिए वर्ल्ड वॉर टू का आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। तो उसमें कैसे एलिस जो है इधर से उधर चेंज हो गए, वो उसके साथ लग गया, वो उसके साथ लग गया, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ही यूरोपियन यूनियन का गठन किया गया, राइट। तो भाई ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपियन यूनियन और उसका आपका आ गया यूनाइटेड नेशंस और आईएमएफ, इसके बारे में आप जो जो एक्टिविटीज चलती रहती है उस पर अपडेट रहा कीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैमरून्स कैंपेन वाज जॉइंड बाय फॉर्मर मिनिस्टर टोनी ब्लेयर। कैंपेन, कैंपेन मींस किसी, जो भी हम रैली करते हैं, जो भी हम कैंपेन चलाते हैं। कंजर्वेटिव, कंजर्व प्रिजर्व, राइट, जो कि रिस्ट्रिक्टेड हो, कंजर्वेटिव माइंड सेट भी होता है, राइट। कई लोग बोलते हैं कि भाई है नो पेरेंट्स का जो दे आर्ग्यूड यूनिलेटरलिज्म, यूनी मतलब वन, लेटरल मतलब डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन। ऐसे एक वर्ड आता है टोटलिटेरियनिज्म, वो भी मैं इज्म वाली क्लास में कराऊंगा आपको, जिसमें हम कैपिटलिज्म ये सारे उनकी बात करेंगे। सो यूके लीडर निजेल फराज हु स्पियर हेडेड, स्पियर हेड करना किसी चीज़ को, किसी प्रोजेक्ट को लीड करना, मतलब आगे लग के काम करना, राइट। ही शुड हैव नोट दैट टू ऑफ द यूकेस कंस्टिट्यूएंट स्कॉटलैंड एंड स्कॉटलैंड है स्विट्जरलैंड है स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड हैव वोटेड टू स्टे इन द यूरोपियन यूनियन। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड मे नॉट सर्वाइव दिस रेफरेंडम, एटलीस्ट इट इज पॉलिटिकल सपोर्टिंग लीव। स्टीयर, स्टीयर मतलब घुमा देना, मोड़ देना, राइट। जैसे कोई गाड़ी है वो मुड़ जाती है, जैसे हमारा व्हील जो यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयर द कन्वर्सेशन, उधर की तरफ घुमा दिया उसने, ठीक है। कई बार बातें करते करते आप देखते हैं कि बात कुछ और होती है, वो बंदा उसको उस तरफ ले जाता है, दैट इज वी कॉल इट एज स्टीयर, राइट। सो भैया ये हमारे यहाँ से 8-9 वर्ड यहाँ से आ गए भैया, हमारा ये स्टेगनेंट आ गया, इमर्जिंग आ गया, काउंटर प्रोडक्टिव आ गया, यूनिलेटरिज्म आ गया, इसके साथ टोटलिटेरियनिज्म हमने समझ सुन लिया कुछ होता है, बंकर इकोनॉमी होगी, अटलांटिक के बारे में पता लग गया, बहुत कुछ हमें इसके आर्टिकल रीड करने के बारे में पता लगा। तो जो मैंने आपको कहा था कि भाई आपको डेली जो आर्टिकल करना है, वो आर्टिकल अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा, राइट, ठीक है। और इससे इससे कॉन्टेक्स्ट बढ़ता रहता है ना, इम्प्रूव हो जाता है, ओके। अब कुछ ऐसे ही रूट्स हैं, हम उनकी बात करते हैं और फिर थोड़ा सा आपका भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा इन रूट्स के बारे में। जैसे हमारा रूट आ गया, ऐसे ही मैंने आई हैव जस्ट लिस्टेड फ्यू, राइट। पूरी लिस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगी और आप आराम से कर सकते हैं, और ये एक दिन का काम नहीं है, ऐसा नहीं है आज रूट कर ले भैया, 2 महीने का मैं पिक्चर बता रहा हूँ। जो वकैब वन देखा है उसमें मैंने बताया कैसे करना है, ये मैं उसका आपको आइडिया दे रहा हूँ कि भाई ये कैसे आपको सपोर्ट करेगा रीडिंग आर्टिकल। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रो, एंथ्रो इज ह्यूमन, मैनकाइंड के साथ लिंक्ड होता है, इसी के साथ शब्द बनता है फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, राइट। फिलेंथ्रोपिस्ट की बात करते तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है मदर टेरेसा का, हा?
मदर टेरेसा। उसके बाद जो हमारी मलाला यूसुफ रज़ाई है वो है राइट, और हमारे भाई साहब कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है ना। किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला? ह्यूमन बीइंग की सेवा करने के लिए। वैसे तो कई लोग जो सोशल वर्क करते हैं वो भी कह देते हैं कि वी आर फिलेंथ्रोपिस्ट, बट ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ठीक है। मैं कहूँगा चैरिटी इज नॉट फिलेंथ्रोपिस्ट, राइट। कई लोग, बहुत सारे मैंने देखा है लोग जो भलाई का काम करते हैं, चैरिटी करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ठीक है, वो अपने आप को फिलेंथ्रोपिस्ट कह लेते हैं। हालांकि दोनों सिमिलर हैं, बट फिलेंथ्रोपिस्ट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। व्हेन यू आर रियली वर्किंग फॉर मैनकाइंड, राइट। आप या इसके साथ वर्ड हो गया बेटा जी मिसएंथ्रोप, जो मैनकाइंड से हेट करे, राइट, हु हेट्स मैनकाइंड, है ना। इट मे बी एलियंस, इट कैन बी कोरोना वायरस, इट डजंट लव, ओके। बेने इज गुड, बेनिफिशियल, इसके साथ ऑपोजिट रूट आ जाता है मैल, मैल मीन्स बैड, मलेशियस, मेलाइन, राइट, मेलेड्रॉइड, ये सारे मैल के साथ वर्ड आ गए। बेनिफिशियल, बेनिफिट, ये आ गए हमारे बेने के साथ। क्रेसिस, अलग अलग तरह के रूल, अरिस्टोक्रेसी, राइट, डेमोक्रेसी, राइट, बहुत सारा साइड, राइट, सिडे भी बोल देते हैं कई लोग इसको इक्वली बोलने के लिए, साइड, है ना। तो जो भी मरने के साथ है, जिसे रिलेटेड है डेथ के साथ, सुइसाइड, हाँ, हमें जो मूवी है शोले उसमें बताया जाता है, हाँ ये बिल्कुल बेटा, हरसिमरन कौर बेनेवोलेंट, उसमें बुलाते हैं कि जब अंग्रेज लोग मरते हैं तो उसको सुइसाइड कहते हैं, साइड इज़ विद डेथ, राइट। और पेट्रीसाइड, है ना, बहुत सारे साइड हैं, अगर किसी भी आप बुक में देखेंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे, राइट। फ्रेटीसाइड, फ्रेटी, फ्रेटी मतलब भाई, भाई भाईचारा रहता है ना, फ्रेटनिटी वहाँ से आ जाता है। क्रिप्टो हमने कर दिया। सरकुम, सरकुम मतलब घोरा लगाना, सरकुम फ्रेंड्स, सरकुम लोकेशन, कॉन्ट्रा कर लिया हमने, काउंटर कर लिया, डिक्ट कर लिया। डाया मतलब अक्रॉस, डायलॉग, दो बीचों, दो बंदों के आपस में, ठीक है, डाया, तो डायलॉग, अक्रॉस टू थिंग्स, डाया, ठीक है। और एपी सेंटर, है ना, एपी, एपी जो वर्ड है हमने किया। पैरा, पैथ, पैरी कर लिया, ओमनी कर लिया। ट्रांस, ट्रांस अमेरिका, ट्रांस अक्रॉस, फ्रॉम गोइंग थ्रू, ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज़ करते हैं हम, ट्रांसफ़र, ट्रांसक्रिप्ट, हाँ, ट्रांस, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफ़र, ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांजेक्शन, ट्रांस मतलब चलना। पेस्टिसाइड, या सबसे इम्पॉर्टेंट पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, राइट, वीडिसाइड, वीड क्या होते हैं, वीड जो कि, वैसे तो वीड दूसरा चीज़ भी को भी यूज़ करते हैं, वैसे जो खरपतवार उग जाता है, जो ऐसी चीज़ें उग जाती हैं जो हमें नहीं चाहिए रहती हैं, दैट इज़ कॉल्ड वीड। सॉफ्ट, सोफिस्टिकेटेड, सॉफ्ट, फिल और सॉफ्ट को ऐड कर देंगे, फिलोसॉफी बन जाएगा, फिल एंड सॉफ्ट, सॉफ्ट। ट्रांसवर्स, पैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, होमिसाइड, सुइसाइड, राइट, देर आर मैनी, सिद्धांत चलान, देर आर वर्ड विद मेसी, सुपर मेसी, इंटीमेसी। तो आज की क्लास में हमने ये समझा कि ये कैसे कर सकते हैं। भैया ये जो कोर्स है ये यूट्यूब पे लाइव है, 200 आवर्स का ये कोर्स है, राइट। इन 200 आवर्स के कोर्स में आई विल बी टेकिंग यू थ्रू ऑल द सब्जेक्ट। मंडे टू फ्राइडे हम चलते हैं, 12 PM to 1:15 PM हमारी क्लासेस रहती हैं, और ये सबके लिए ओपन है, कोविड में भी, कोविड के बाद भी। 200 आवर्स का जो हमारा ये पूरा लेक्चर है, इसमें 160 लेक्चर्स रहेंगे आपके, 64 लेक्चर्स हैं क्वांट के, 32 लेक्चर्स हैं आपके DILR के, और 64 क्लासेस हैं वर्बल के। ये काफ़ी है मसाला कोई भी कैट क्रैक करने के लिए, और बाकी जो बैंकिंग SSU एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प आता है। एंड्रॉयड से ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो 10,000 क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड, या वीड मर्जुआना को भी कह देते हैं बेटा जी, राइट, एपिटोम, हाँ, राइट, एक जैसे वर्ड रहता है
यू नो क्विंटेसेंशियल क्विंटेसेंशियल बहुत सारे मिलेंगे आपको, क्विंटेसेंशियल एम्बॉडीमेंट है ना। मैंने डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाले नहीं कराए आज, उनको भी आप रट्टा मार सकते हैं, याद कर सकते हैं, राइट? या राइट, देयर आर सम रूट्स दैट आर वेरी गुड, दे हैव चेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लैंग्वेज कभी भी स्टैटिक नहीं होती बेटा जी, चेंज करती रहती है। और ये टेलीग्राम चैनल है, इससे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है इसको कर लिए। और जब ये ऐप पे ज्वाइन करेंगे, प्लीज़ ज्वाइन द बैच विद दिस कोड YTCAT2020 के साथ आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है, जस्ट राइट यूट्यूब एंड सेंड अ मैसेज टू योर नंबर 9877211555, राइट? कल हम एक छोटा सा सेशन कर रहे हैं जूम के ऊपर, टू टेक यूर क्वेरीज एंड डाउट्स के कैट की तैयारी कैसे की जाए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट, 6 months टू कैट, 6 महीने की यात्रा जो कैट की है कैसी है, उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। और आप इस नंबर पे भी कॉन्टेक्ट करते हैं, वो जूम पे मीटिंग होगी एंड लिमिटेड टू फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स ओनली। तो प्लीज़ ज्वाइन फॉर दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड डाउट्स फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट या अमिड दौरान उस चीज़ के, राइट? ठीक है, अभी एकदम से सब रट्टा नहीं मारना। ये कुछ शब्द हैं, ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं आपको। आज आपने क्या करना है, इनको लिख लेना है और इनके पिक्चर बनाने की कोशिश करनी है अपने माइंड में, हाँ, जैसे क्या क्या चीज़ आ रही है, ठीक है ना। कैमरा आइडरी, यहाँ से मेरे को कैमरा नज़र, जिनको आते हैं मीनिंग बहुत बढ़िया है। इनमी कल, यहाँ पर मेरे को एनिमी नज़र आ रहा है, राइट? यहाँ से निल वर्ड नज़र आ रहा है, राइट? यहाँ पर मेरे से मर्थ यह रहा है ना, रथ याद आ रहा है, रथ रथ है। यहाँ पे नेशन दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे मेरे को मनी दिख रहा है, यहाँ पे ब्लो दिख रहा है और हार्ड दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को पास दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को चोर दिख रहा है, यहाँ पे यू नो कैंड कैंड और ऑर्डर दिख रहा है, कैन कैन कैंड कैंडी वाला दिख रहा है। तो यू हैव टू टेल मी, इसमें से कुछ मैंने रिपीट करके जानबूझ के डाले हैं ताकि आप एग्जाम में अलग ही आते हैं। और भाई विशाल रावल जी, धीरे धीरे बेस बनेगा, इम्पासे इज अ डेड लॉक, हाँ, तो इनको आपने करना है, ठीक है जी। वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जिनका वर्बल वीक है वो पहले वोकैब को अच्छे तरीके से चमकाइए, रीडिंग बहुत स्ट्रांग कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि आपका 95% आ सकता है वर्बल में, तो डेफिनेटली आ सकता है, राइट? बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, दिमाग को ठंडा रख के, शांत रख के, धीरे 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 प्रिपेयर करना होगा, एग्ज़ाम को समझना होगा, क्या आता है कैट में क्या नहीं आता है, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करनी होगी। दुनिया क्या कहती है, कहते रहने दो, राइट? गिव यूर 100%, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। ये हमारा बेटा जी शेड्यूल है, सबको पता ही है, सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना आप नहीं भूलें, ताकि वो लोग जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ये मैसेज पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।